Welcome to lecture series of linear programming. We are at lecture 2. In previous lecture, we studied about how we formalize a given LPP program, LPP problem, and it means that linear programming problem to a mathematical formulation. In this sequence, we proceed forward. Then, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये find करनी है कि हमारे पास हमने पिछले lectures में क्या किया था कि हमारे पास एक problem दी हुई थी कि एक shopkeeper जो है कि जो डीलर है उसके पास कुछ टेबल थे कुछ चेयर थे और उसमें से क्या करता है वो कुछ टेबल्स जो खरीदता है उसके पास मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 50,000 है और मैक्सिमम जो प्लेसेस हैं स्टोर्स करने के लिए वो 60 आइटम्स को वो प्लेस कर सकता है अपने पास और उसके पास रिस्ट्रिक्शन ये था ये दो रिस्ट्रिक्शन थे और ये था कि प्राइस दी हुई थी तो वहाँ पर हमने कुछ उसको जब फाइनलाइज किया था तो ये हमें इक्वेशंस मिली हुई थी जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये अब हमें क्या करना है सेकेंड जो स्टेप थी पहला स्टेप तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन था जो कि हमने ये कर दिया मैथमेटिकल फार्मूलेशन अब जो सेकेंड स्टेप हमारा है वो क्या है कि ग्राफ प्लॉटिंग ओके तो हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं कि कैसे इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उस चीज को देखना है तो सबसे पहले हम प्रीवियस में देखे थे कि कैसे किसी लाइंस का इनइक्वालिटीज का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा तो सबसे पहले हमारे पास तीन लाइन दी हुई है तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट फाइंड कर लें तो पहला स्टेप्स क्या हमें हर एक लाइन को हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट जो लाइन है हमारे पास इसको L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है हमारे पास 5x plus y is equal to 100 तो क्या पॉइंट आएगा लेट x is equal to 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास जब x यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 = 0 तो y की वैल्यू आ गई आपकी 100 जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x बराबर 100 तो 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 तो हमारे पास पॉइंट्स क्या मिले 0, 100 और यहाँ पे पॉइंट्स क्या मिले 20, 0 सेकंड क्या है L2 मान लेते हैं ये हमारा x plus y is equal to 60 ओके अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 60 मिलेगी और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 60 मिलेगी तो यानी पॉइंट्स क्या आ गए 0, 60 और 60, 0 ये दो पॉइंट्स हमें मिले तब इन दोनों लाइन L1 और L2 को तो ड्रॉ कर सकते हैं तो चलिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया ओके सिंपली हम बस ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जो हम लोग जूनियर क्लास में पहले भी पढ़े होंगे उसी चीज का यूज करके ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये स्केलिंग देखते हैं कितना लेना होगा ये देखो सब 10 का मल्टीपल है तो 10 का मल्टीपल लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा तो लिखते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100 तो ये हो गया 10 20 इधर क्या हम करते हैं इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें इजी रहे ताकि 100 वहां तक पहुंच जाइए ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इसको लाइन बना लेते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या ऐसे हो जाएगी ये अब ये हो गया 10 ये 20 ये 30 ये 40 50 60 70 80 90 और ये 100 वैसे इधर बढ़ेंगे तो ये 10 20 30 40 50 और ये आ गया आपका 60 तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ L1 को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए 0 और 100 और 20, 0 तो 0 और 100 तो 0 और 100 किधर जाएगा ये तो आपका 0 और 100 तो 0 और इधर 100 पॉइंट तो कुछ ऊपर पॉइंट आएगी तो इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा तो चलिए हम इसको 20 का बना लेते हैं स्केलिंग कर लेते हैं तो 20 का स्केलिंग करने से क्या होगा देखते हैं तो ये हमारा 20 40 60 80 और ये 100 हो गया ओके अब क्या है 0, 100 तो सबसे पहले यहाँ यहीं पे लिख देते हैं कि x एक्सिस पे जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है 10 के और y एक्सिस पे 1 यूनिट किसके इक्वल है 20 के तो ये हमें स्केलिंग लिखनी होगी ग्राफ पे लिख दिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया एक्स एक्स डैश ये ओरिजिन ये वाई डैश लाइन L1 ड्रॉ करने के लिए क्या है 0, 100 और 20, 0 तो 0, 100 कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे दो पॉइंट्स लिया जाएगा 0, 100 यानी एक पॉइंट ये हो जाएगा और दूसरा क्या है 20, 0 तो 20, 0 ये हो जाएगी अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे तो स्टेप में मैंने यही बताया था पहले डैश लाइन से ड्रॉ करके फिर ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो ये हमारा L1 लाइन हो गया L1 इज इक्वल टू क्या था वो लाइन का इक्वेशन 5x plus y is equal to 100 तो ये इस इक्वेशंस का लाइन ये आएगा जो डैश लाइन से मैंने लिखा है
तो बस समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे टेस्ट से बनाया। तो रीजन हमें क्या है, हमें एक्चुअली में फाइंड करनी है ये वाली, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन का रीजन फाइंड करना है। तो 5x + y < 100, यानी ये कौन सा रीजन आएगा? इसमें ओरिजिन अगर 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 0 यानी 0 0 100 से छोटा है, बिल्कुल सही। तो ये ओरिजिन वाला रीजन, यानी ओरिजिन किसमें है, इस वाले रीजन में। तो ये सारा रीजन जो है वो आएगा उसके सॉल्यूशन के पार्ट्स में। ओके, अब सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहले मैं एक बार फिर से स्टेप्स को बता देता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पर L1 पॉइंट्स, L1 लाइन था, L1 लाइन को हमने ड्रॉ किया। बेसिकली हमारा टारगेट है इस इनइक्वालिटीज को ग्राफ पे प्लॉट करना। इस इनइक्वालिटीज को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले लाइन कंसीडर कर लिया L1, 5x + y = 100। अब इस लाइन को हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब x दो पॉइंट्स मिले थे, इस लाइन को ड्रॉ किया तो ऐसे हमें लाइन मिला। अब हमें तो इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना था, इनइक्वालिटी का रीजन क्या आएगा? तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, इसमें ओरिजिन चेक करेंगे कि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 0, 0 जब रख रहे हैं तो देख रहे हैं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी उसके सॉल्यूशन में ओरिजिन आएगी। तो देखेंगे ओरिजिन किस साइड है, इस साइड है या इस साइड, तो देख रहे हैं नीचे वाली साइड है, तो ये वाला रीजन हमने सेट कर दिया। अब इसी तरह L2 वाले लाइंस को ड्रॉ करेंगे। L2 क्या आएगी, x + y = 60। तो 0, 60 और 60, 0, तो कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए। तो 60, 0 ये हो गया और 0, 60 ये हो गया। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा हम इसको डैश लाइन से ही सारे इसको शो कर रहे हैं क्योंकि हमें तो शेडेड रीजन चाहिए। तो ये हमारा L2 लाइन हो गया। L2 क्या है इस इक्वेशन, x + y = 60। अब ये क्या है, हमें तो इनइक्वालिटी ये वाली, इस वाली रीजन को ड्रॉ करना है। तो x + y < 60 है, तो जब 0, 0 इस पे रखेंगे तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये रीजन कौन सा आ जाएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगी। ओके, अब थर्ड कॉन्स्टेंट क्या है, x > 0 और y > 0। जब x > 0 करेंगे तो वो क्या आएगा, ये पूरे ये वाले इसके ऊपर वाला जो रीजन जा रहा है, इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, ब्लैक से शो कर देता हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर जितने भी जा रहे हैं ये y > 0 का ये हो जाएगा, y > 0 वाली ये आ जाएगी, और जो x > 0 है वो कौन सी आएगी, ये वाली रीजन आएगी जो इधर आ रही है। तो थोड़ा फिगर एकदम क्लटर्ड हो गया, बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा। अब हमें क्या देखना है कि कौन सा रीजन ऐसा है जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला स्टेप क्या था, पहले हमें इसे ड्रॉ करना है, फिर इसे ड्रॉ करना है, फिर इसे ड्रॉ करना है, तीनों को हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद का जो स्टेप है हमारा वो ये है कि इनको ड्रॉ करने के बाद जो कॉमन रीजन आ रहा है, तो कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन ये दिख रहा है क्या, देखो ये वाली रीजन, फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये वाली रीजन, फिर ये, फिर यहाँ पर, और फिर ये यहाँ पर, ये रीजन कॉमन रीजन लग रहा है, ये दिख रहा है, ये जो मैं रेड से सेट कर रहा हूँ, ये हमारा कॉमन रीजन है। ये क्या है, ये कॉमन रीजन हो गया। ठीक है, तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फिजिबल रीजन है। क्या है ये, फिजिबल रीजन, ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन। इसमें पॉइंट्स को अगर नाम दे तो O, फिर ये A, फिर यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है B, फिर ये हो जाएगा C। देखो इस वाले इनइक्वालिटीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले इनइक्वालिटीज को भी, इस वाले इनइक्वालिटीज को भी, और इस वाले इनइक्वालिटी को भी। तो OABC ये हमारा जो रीजन आ रहा है, ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन। क्लियर है यहां तक? अब इसके अलावा जो भी रीजन है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इनफिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं उसे, इनफिजिबल रीजन। तो ये हमारा फिजिबल रीजन, और फिजिबल रीजन के अलावा जो भी रीजन बचता है उसे इनफिजिबल रीजन बोलते हैं। और इसमें जो फिजिबल रीजन का जो हर एक पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसके अंदर का कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो ये सारी इनइक्वालिटीज को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि कैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो सेकेंड था ग्राफ प्लॉटिंग, ये हमने सीखा। एक बार फिर से मैं स्टेप्स को बताता हूँ कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। जो भी इनइक्वालिटी दी हुई, जो भी कांस्टेंट उसमें दिया, सबसे पहले 5x + y < 100, x + y < 60, x > 0, y > 0, ये हमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले हर इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कॉमन रीजन कौन सा आया। तो हम देख रहे हैं OABC ऐसे आ गई, ये हमारे पास ये क्या हो गए, चार पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब हमारे पास चार पॉइंट्स मिले, अभी हमें सॉल्यूशन तो पता नहीं है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस वाले पॉइंट पे आएगी, इस वाले जेड की मैक्सिमम वैल्यू। तो एक चीज हमें ये पता है कि ओ जो है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, ओ क्या है हमारा 0, 0 ओरिजिन वाली पॉइंट है। ए क्या है हमारा, ए जो पॉइंट है वो 20, 0 है। सी क्या है हमारा, सी जो है 0, 60 है। और बी क्या है, बी जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगी। देखो ऐसे कट कर रहा है, तो क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो 5x इस दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4x = 40, यानी x की वैल्यू आ गई 10, तो y की वैल्यू 50।
यानी 10,50 इसकी क्या हो गई सॉल्यूशन इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ इन दोनों लाइंस का y इज इक्वल टू 50। तो यानी हमारा जो b हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10,50। क्लियर यहां तक? तो ये चारों हमें पॉइंट्स मिल गए, तो इन चारों पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। ये सब क्या है हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर मतलब कि एकदम कोने वाले पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो रीजन है वो फिजिबल रीजन, बाकी इसके अलावा जो रीजन होंगे उसे हम लोग बोलेंगे इनफिजिबल रीजन। और इनफिजिबल रीजन में जो एक हर एक पॉइंट है उसे इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो एक चीज यहां से ये देखने को मिल रहा है, फिजिबल रीजन में एक पॉइंट अगर ले रहे हैं तो उसे हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रखेंगे, यानी बहुत सारे पॉइंट्स उसके फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम के। ओके, तो चलिए मैं इस टर्म्स को लिख देता हूं कि ये चीजें हैं क्या टर्म बाय टर्म करके। पहला हमने क्या टर्म्स देखा, फिजिबल रीजन। ओके, क्या होता है फिजिबल रीजन? तो फिजिबल रीजन क्या होता है, द कॉमन रीजन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। ओके, इसमें क्या है, अब इस फिगर में फिजिबल रीजन क्या है हमारा, ओ ए बी सी हमारा जो है वो है फिजिबल रीजन। यानी ओ ए बी सी क्या हो गया, ये फिजिबल रीजन हो गया। एग्जाम्पल के रूप में लिख लिया, ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन। ठीक है, अब एक आता अगला टर्म मैंने बोला था फिजिबल सॉल्यूशन। क्या होता है, पॉइंट्स इन फिजिबल रीजन, जो पॉइंट होते हैं फिजिबल रीजन में उसे हम लोग बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे ये हमारा है, इसके अंदर जितने भी ऐसे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स क्या हो गए, फिजिबल सॉल्यूशन आ गए। यानी पॉइंट्स इन फिजिबल रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशन। फिर थर्ड क्या एक टर्म यूज हुआ था, कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स मतलब क्या हो गया कि जहां पे दो इनइक्वालिटी या टर्न हो रहा हो। तो जैसे इस फिगर में क्या है, ओ ए बी सी क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट्स है। ठीक है, ओ ए बी सी इनफिजिबल रीजन इज अ कॉर्नर पॉइंट। मतलब इस पार्टिकुलर एग्जांपल के लिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए, ओ ए बी सी जो हो गए वो कॉर्नर पॉइंट हो गए। यानी ओ ए बी सी इनफिजिबल रीजन इज द कॉर्नर पॉइंट। अब अगला क्या है, इनफिजिबल रीजन। इनफिजिबल रीजन का मतलब क्या हो गया कि जो फिजिबल रीजन ना हो, इनफिजिबल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, फिजिबल रीजन। ओके, इनफिजिबल रीजन, रीजन एक्सेप्ट फिजिबल रीजन, मतलब ऐसा रीजन जो कि फिजिबल रीजन ना हो उसे हम लोग बोलते हैं इनफिजिबल रीजन। ओके, यहां तक तो क्लियर होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें थी कि मतलब किसी भी, अगर हमारे पास जो पहले हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, उसे हम लोग सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, तो हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करेंगे, तो ग्राफ प्लॉटिंग कर दिया। इसके बाद का था कि कॉर्नर पॉइंट्स ऑप्टिमल वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि कैसे ग्राफ्स प्लॉट होती हैं, कब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता, उस चीज के बारे में। फिर लास्ट में देखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आती है, या मिनिमम वैल्यू या ऑप्टिमल वैल्यू कैसे आती है, उस चीज को देखेंगे। तो यहां तक आपका समझ में आया? तो हमने क्या देखा अभी तक कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद उसका ग्राफिकल जो हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उसमें फिजिबल रीजंस क्या होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनफिजिबल रीजन क्या होता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, उस चीज के बारे में देखा गया। इनफिजिबल सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि जो भी पॉइंट्स फिजिबल इनफिजिबल रीजन में आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को बोलते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक थ्योरम की तरफ, कि कैसे हम लोग बोलते हैं, एक जैसे यह है कि कॉर्नर पॉइंट्स पे जो होते हैं उसकी ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं अगर कॉर्नर पॉइंट्स है। तो पहला जो थ्योरम है इसको हम लोग समझते हैं कि बोल क्या रहा है, लेट आर बी द फिजिबल रीजन इन अ कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो सबसे पहले कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगॉन ये समझते हैं। कन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब ये है कि जैसे कोई भी एक रीजन दे दिया, इसके कोई भी दो पॉइंट्स लो, अगर उसको मिलाने वाली जो लाइन है उस रीजन के अंदर ही है तो उसे हम लोग कन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे।
तो अब अगला ये बताओ क्या ये कन्वेक्स पॉलीगन है? चलो कुछ बच्चा बोल रहा है ये दोनों पॉइंट ले लिए इसमें आ रहा है, चलो ठीक है अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये दोनों पॉइंट लोगे तो ये क्या होगा, इसके बाहर चला जा रहा है ये, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा और ये कन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, मतलब वो सारे पॉइंट्स किसी भी दो पॉइंट्स को लो उनको मिलाने वाली जो लाइन होनी चाहिए उस रीजन के अंदर ही आनी चाहिए। तो पहला लाइन क्या बोल रहा है, लेट आर बी द फिजिबल रीजन, यानी कन्वेक्स पॉलीगन होना चाहिए जो रीजन होना चाहिए फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ था उसका आर जो है वो फिजिबल रीजन है विद कन्वेक्स पॉलीगन और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है उसके जेड ए एक्स प्लस बी वाई। तो जो जेड की ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कहाँ पे होगी, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी, वो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या बोल रहा है, एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं कि लेट आर बी अ फिजिबल रीजन ऑफ कन्वेक्स विद कॉन्वेक्स पॉलीगन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिस विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन जेड हैज एन ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वेयर द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज देन दिस ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। इसका बेसिक जो मतलब है वो ये है कि जो जेड की मैक्सिमम या जेड की जो ऑप्टिमल वैल्यू है, ऑप्टिमल में दोनों कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम या मिनिमम जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जेड की जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो कहाँ पे अकर होगी, जेड की ऑप्टिमल वैल्यू है ऑलवेज अकर एट द कॉर्नर पॉइंट, यानी जो जेड की ऑप्टिमल वैल्यू है वो हमेशा हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही पाई जाती है। अगर जेड की ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स थे चार, क्या थे, ओ ए बी और सी, ये कॉर्नर पॉइंट्स थे, तीन चारों जो पॉइंट्स हैं इन्हीं किसी पॉइंट्स पे इसकी ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन्हीं चारों पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रही होगी, ये थ्योरम ये गारंटी देता है। ओके, अब ये तो मान लो, चलो अब ये तो बाउंडेड रीजन है, कन्वेक्स पॉलीगन है, अब मान लो हो सकता है रीजन अनबाउंडेड हो, उस केस में क्या बोलेंगे? तो ये थ्योरम समझ में आया। अब अगला जो थ्योरम है वो अनबाउंडेड के लिए बताया जा रहा है, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं। क्या है कि अगर R कोई फिजिबल रीजन है किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए और Z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इफ R इज बाउंडेड देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड ईच ऑफ दिस अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ R। सॉरी, ये पिछला ही थ्योरम है। मतलब क्या था कि अगर हमारे पास कोई फिजिबल रीजन है तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो क्या होगी, उसके पॉइंट्स पे ही लाई करेगी। ठीक है, और जो मैं बताना चाह रहा था कि R अगर अनबाउंडेड है देन मैक्स, हाँ ये चीज ये मैं बताना चाह रहा था, जो आपका रिमार्क, इफ R इज अनबाउंडेड देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर R अनबाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। मतलब अगर बाउंडेड है हमारा रीजन, ये R अगर बाउंडेड है, R अगर बाउंडेड है तो इसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी, और कहां करेगी, कॉर्नर पॉइंट्स पे करेगी, एग्जिस्ट एट कॉर्नर पॉइंट। लेकिन अगर R अनबाउंडेड है, ऐसा कुछ है, R अनबाउंडेड है, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है, में एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं कर सकती है, एट द कॉर्नर पॉइंट। ओके, तो ये आपको समझ में, अगर बाउंडेड है तो हमेशा एक गारंटी देता है, रीजन बाउंडेड है, जो फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर रीजन अनबाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो एक बार थ्योरम्स को फिर से पढ़ते हैं। पहला थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन है और जेड हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दिया हुआ है, तो जेड के जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही लाई करेगी। ठीक, यहां तक समझ में आया, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी बोलो, या तो मैक्सिमम बोलो या मिनिमम बोलो, हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करती है, ये गारंटी देता है। सेकंड क्या बोलता है, अगर रीजन आर बाउंडेड है, अगर ये आर जो है ये बाउंडेड है, आर इज बाउंडेड, तो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड मतलब क्या, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करेगा, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे और कहां होंगे वो, एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द
फिजिबल रीजन आर एट दी वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स मतलब क्या कि जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो रीजन के क्या होते हैं वर्टेक्स होते हैं तो वो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ एग्जिस्ट करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेंगे देन मैक्सिमम एंड मिनिमम ये ध्यान देना कि दोनों एग्जिस्ट करेगा बाउंडेड पे और अनबाउंडेड पे कोई गारंटी नहीं है देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बोथ आर एग्जिस्ट एट देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बोथ आर एग्जिस्ट एट कॉर्नर पॉइंट दोनों कहां पे एग्जिस्ट करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेंगे समझ में आया कि जो अगर आर बाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों कहां एग्जिस्ट करेंगे एट कॉर्नर पॉइंट्स पे किस पॉइंट्स पे कॉर्नर पॉइंट्स पे क्लियर अगर आर अगला थ्योरम क्या बोलता है रिमार्क जो था अगर आर अनबाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है इसका भी एक कंडीशन होता है कि कब एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो चीज अभी हम अगले में देखेंगे अगले साइड्स में देखेंगे कि कैसे स्टेप्स को हमें फॉलो करना है तो ये हमें बेसिकली याद क्या रखना है ये जो थ्योरम है इसका समराइज अगर किया जाए दोनों तीनों थ्योरम्स को तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आर बाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो कहां पे एग्जिस्ट करेगी कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी सेकंड क्या है अगर आर अनबाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर भी सकती है या फिर कर भी सकती है या नहीं कर सकती है लेकिन अगर एग्जिस्ट करती है ये क्या बोल रहा है इफ इट एग्जिस्ट अगर एग्जिस्ट करेगी तो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही होगी अगर अनबाउंडेड रीजन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं भी कर सकती है कोई गारंटी नहीं है लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगी तो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही लाई करेगी इफ इट एग्जिस्ट इट मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ आर तो चलिए अब स्टिक के स्टेप्स को मैंने अगले में लिखा है तो उसे हम लोग समझते हैं कि क्या स्टेप्स हैं इसमें ठीक है पहला क्या है मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रेफर्ड एज अ कॉर्नर पॉइंट मेथड द मेथड हैज फॉलोइंग स्टेप्स अब जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया जैसे पहला कि कोई क्वेश्चन दे दिया एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एलपीपी का कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास ओके कोई हमारे पास एलपीपी का प्रॉब्लम आ गया अब इसे हमें सॉल्व करना है क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करनी है पहला स्टेप्स क्या बोलता है फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट आइदर बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग द ट्यू इक्वेशन क्या बोल रहा है फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट determine its corner point either by inspection or by solving the two equation of the lines intersecting at that point matlab kya hai ki sabse pehle hame pehla steps kya bolna hai sabse pehle feasible region find karna hai feasible region kaise find hoga uska graph plot karke to sabse pehle koi bhi hame diya hua hai uska hame formula mathematical expression find karna hai to main usko bhi likh deta hu taki aapko samajh mein acche se sabse pehle koi bhi questions diya hua hai words ke form mein rahenge usse pehle mathematical formulations karni hai uski मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस करो पहले सबसे फर्स्ट ओके फिर जो सेकंड है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के बाद सेकंड आपको फिजिबल रीजन फाइंड करना है उसका फिजिबल रीजन कि कहां वो फिजिबल रीजन लाई कर रहा है जब फिजिबल रीजन फाइंड हो जाए थर्ड आपका स्टेप है कॉर्नर पॉइंट्स ओके अब उसके बाद क्या अगला स्टेप बोल रहा है Evaluate objective function z is equal to ax plus by at each corner point. Let m and small m respectively denote the largest and smallest value of this point. अब जैसे fourth step ये बोल रहा है कि मान लेते हैं कि O जैसे last में क्या मिला था O A B और C ये हमारे corner points मिले थे. तो इन points पे हमें क्या करना है z की values calculate करनी है. z की values को calculate करना है. और ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है अगर रीजन बाउंडेड होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी उस पॉइंट पे और मिनिमम वैल्यू उस क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स पे हो जाएगी तो क्या बोल रहा अगला केस में व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड देखो वही चीज आ गई अगर रीजन बाउंडेड है तो कैपिटल एम जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जेड की अगर रीजन अनबाउंडेड है अब अनबाउंडेड हो गया तो क्या हो गया जो रिमार्क हमारा था पिछले जैसे ये वाली रिमार्क थी कौन सी रिमार्क ये वाली इसे पढ़ो क्या है कि आर इज अनबाउंडेड देन मैक्सिमम अगर आर अनबाउंडेड होगा तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू
एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगी तो कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगी। तो हमें ये पता करना सबसे पहले कि बाउंडेड होगी, सॉरी एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो उसके लिए देखते हैं क्या स्टेप्स है, तो उसके लिए देखते हैं क्या स्टेप है हमारा। स्टेप क्या है, अगर यम इज द मैक्सिमम वैल्यू, अगर कैपिटल यम, जैसे हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स पे जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू कैलकुलेट किया तो कैपिटल यम हमारा मैक्सिमम आ गया, मिनिमम वैल्यू स्मॉल यम आ गया। अगर यम मैक्सिमम वैल्यू है तो अगर हम लोग जो भी करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम कर रहा है, मैक्सिमम में क्या करना है ग्रेटर देन एम, ये ध्यान रखना है मैक्सिमम में ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अगर ये जो है गिवन रीजन के साथ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कहीं भी जो भी फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तब ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। क्या बोल रहा है, इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस हैज नो पॉइंट इन कॉमन, हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद फिजिबल रीजन, कोई भी पॉइंट जो है उसका फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं है, तब हम लोग बोलेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर कॉमन हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली अगर जेड मिनिमम स्मॉल एम जो है वो मिनिमम वैल्यू है जेड की, तो हम लोग क्या बोलेंगे ax plus by less than m जो होगा, अगर वो फिजिबल रीजन के साथ कोई भी पॉइंट कॉमन रख रहा है, यानी इंटरसेक्ट कुछ रीजन के साथ कर रहा है, तब ये कोई सोल्यूशन नहीं रखेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तब ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो दो केसेस हैं इन दोनों के लिए एक एग्जाम्पल से हम लोग जब समझेंगे तो ये चीजें काफी क्लियर होंगी। तो इसका एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले इसका मेथड समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको माइंड मैप दे देते हैं क्या है, कोई भी हो उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस करना है। सेकंड आपको फिजिबल रीजन फाइंड करनी है, बाय ग्राफ प्लॉट करेंगे उसका फिजिबल रीजन मिलेगा, उसके बाद उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करनी है। जैसे ही कॉर्नर पॉइंट्स मिलता है उस पर हमें जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर पॉइंट्स का पे हमें गेन प्राप्त करनी है। तो मान लेते हैं कि कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे मिल गई, कॉर्नर पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे कैपिटल एम मैक्सिमम और स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू मिल गई। अगर हमारा जो रीजन फिजिबल रीजन अगर वो बाउंडेड हुआ तो जो कैपिटल एम होगी वो क्या होगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, स्मॉल एम जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आर अनबाउंडेड हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको लिख देता हूं, इफ आर इज बाउंडेड, इफ आर इज बाउंडेड देन कैपिटल एम क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉल एम क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अगर आर अनबाउंडेड है, इफ आर इज अनबाउंडेड, आर मतलब फिजिबल रीजन, आर इज अनबाउंडेड, तो क्या करेंगे इसके दो स्टेप्स। पहला ये क्या बोलता है, इफ यम इज मैक्सिमम वैल्यू, अगर यम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो हमें ये चेक करना है ए एक्स प्लस बी वाई जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है ग्रेटर देन एम, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इफ दिस Not intersect the feasible region, feasible region को intersect नहीं कर रहा है feasible region, then capital M is maximum value, तो capital M क्या होगी maximum value होगी। अगर intersect कर दिया तो maximum value नहीं होगी, otherwise not। Second क्या है, if स्मॉल या मिनिमम वैल्यू है तो ए एक्स प्लस बी वाई, इफ ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, नॉट इंटरसेक्ट द फिजिबल रीजन देन स्मॉल एम इज द मिनिमम वैल्यू, स्मॉल एम क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर है यहां तक, तो स्टेप समझ में आया ठीक। अब स्टेप्स को उस क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं जो शुरुआत में हमने क्वेश्चंस देखा था। तो क्या था हमारा, हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस कर लिया, इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए, फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिया, यानी हमारे तीन स्टेप्स हो गए। तो मैं एक बार क्वेश्चंस को यहां पे लिख देता हूं जो हमने शुरुआत का जो पहले कर रहे थे। पहला स्टेप्स क्या हो गया डन, इसको हम लोग लिखते हैं। दूसरे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डन, फिजिबल रीजन फाउंड कर लिए, कॉर्नर पॉइंट्स भी फाउंड कर लिए। अब ये फोर्थ स्टेप्स करनी है इसमें। तो उस एग्जांपल को मैं फिर से यहाँ राइट डाउन करता हूँ। क्या था हमारे पास कि मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी,
जेड मैक्स लिख दे रहा हूं, क्या है? हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये था। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या थे हमारे? कॉर्नर पॉइंट्स हमने ओरिजिन मिला था एक जीरो जीरो कामा जीरो पे, ए जो मिला था वो 20,0 पे, बी जो मिली थी वो कहाँ मिली थी 10,50 पे, और जो सी मिला था वो 0,60 पे। पर इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखो 0,0, 20,0, 10,50, 0,60, तो ये हमारे पास चार कॉर्नर पॉइंट्स इसके मिल गए थे। और रीजन जो था वो बाउंडेड था, ऐसा रीजन मिला था हमारे पास, ये ऐसे एक लाइन गई थी इधर से फिर इधर से फिर ऐसे एक रीजन मिला था, तो ये बाउंडेड रीजन है। और कन्वेक्स पॉलीगॉन भी है, कोई भी दो पॉइंट लो तो ऐसे मिलाने पर स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो रीजन आर जो था वो कन्वेक्स भी था, कन्वेक्स पॉलीगॉन थी, पॉलीगॉन था, और आर जो था वो बाउंडेड थी। क्या थी? बाउंडेड। तो अब हमें क्या करना है, जेड का इस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पे वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसे हम अगले पे फाइंड करते हैं। तो यानी यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ लिखते हैं जेड, जेड इज इक्वल टू 250x प्लस 75y। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स क्या था? ओरिजिन 0,0, अगला ए था 20,0, बी की वैल्यू थी 10,50, फिर सी की वैल्यू जो थी वो क्या थी 0,60। तो अब 0,0 रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगी, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500, फिर 75 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, 5 5 25 कैरी 2, 5 7 25 और 2 सॉरी 5 7 35 और 2 37, तो ये 50 752 325 और ये 6, यानी 6250 इसकी वैल्यू आ गई कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिख दिया 6250। अगला है 0,60, तो 75 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0, 6 5 जो 33, 6 7 जो 42 और 3 45, ये 4500। यानी ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली और ये हमें क्या मिली? मिनिमम वैल्यू। मतलब कुछ ना खरीदे और 10 या 50 टेबल खरीदे, 50 चेयर खरीदे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6250 हो जाएगी। तो पहला स्टेप हमने क्या देखा, क्या बोल रहा था इसमें कि फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ, चलो मैं ये जो आपको समझाया था उससे चलते हैं। ये चारों हो गए थे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट पे हमने वैल्यूज भी फाइंड कर लिया, कैपिटल एम और स्मॉल एम। कैपिटल एम यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी कैपिटल एम हो गई, ये हमारी स्मॉल एम हो गई। अब क्या बोल रहा है ये, इफ आर इज बाउंडेड, अगर आर बाउंडेड है तो कैपिटल एम ही मैक्सिमम वैल्यू होगी और स्मॉल एम ही मिनिमम वैल्यू होगी। तो आर देखो बाउंडेड था यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू, यानी क्या बोलेंगे, दस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 6250 एट 10,50, यानी 10,50 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जो कि 6250 है। क्लियर? अब देखो अगला क्या सिक्स स्टेप बोल रहे हैं, फिफ्थ के बाद ये सिक्स, इफ आर इज अनबाउंडेड, अगर आर अनबाउंडेड है तो यहां तो आर अनबाउंडेड है नहीं, तो ये स्टेप क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। अगर आर अनबाउंडेड होता तो इस स्टेप्स को हम लोग प्रोसीड करते, तो ये हम लोग एक एग्जांपल किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं वहां पर। तो हमने क्या देखा, बेसिकली हमने ये देखा पहला स्टेप कैसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस करते हैं किसी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं किसी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसका फिजिबल रीजन कैसे फाइंड करते हैं बाय ग्राफ प्लॉटिंग, फिजिबल रीजन, जब फिजिबल रीजन मिल जाती है फिर उसका कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के बाद उसकी ऑप्टिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमने चार चीजें आज के लेक्चर में देखी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे कि कैसे वो अनबाउंडेड रीजंस के लिए हो रहे हैं, फिर अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कुछ होते हैं, पहला मैं नाम दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उस तरह से तो बहुत ही होते हैं लेकिन कुछ मेनली जो है जो आपके सिलेबस में है,
पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हर एक चीज का इसमें फीलिंग लिया जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगला जो है वो है डाइट प्रॉब्लम, फिर जो एक है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाली लेक्चर्स में देखा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है, उसके बाद उसकी ग्राफ प्लॉट करके फिजिकल रीजन फाउंड करनी है, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं, और कुछ रूल्स हैं जो हमने स्टेप्स में लिखे थे कि अगर बाउंडेड होता है या अनबाउंडेड होता है, उसके उस रूल्स के अंदर रहते हुए हमें ऑप्टिमल वैल्यूज की फाइंड करनी है। तो अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अनबाउंडेड का और कुछ सिंपल्स भी, उसके बाद हम लोग अगले टाइप ऑफ एलपीपी अगले टॉपिक्स में बढ़ेंगे जो है टाइप ऑफ एलपीपी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।